स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले दर्शकों अपना नाम बताइए। जी सोनू। सोनू कुमार कहाँ के हैं? घुमावटी। घुमावटी, अच्छा। मुझे आप ये बताओ ये मशीन कब लेके आए थे आप? ये अभी 2-3 दिन पहले ले गए। अभी कितने की लाए? ये ऐसी पड़ी है 60-65 हजार में। यहाँ पे 60-65 हजार में। ट्रैक्टर आपका 500-500 में लोड तो नहीं बांधता ट्रैक्टर? एक घंटे में कितना काट देती है? एक घंटे में अगर खेत सही हो तो ऐसी काट देगी 4-5 बीघे। 4-5 बीघे। कितना लीटर खाता है, तेल डीजल खाता है ये ट्रैक्टर आपका इस पे? एक घंटे में ऐसे खाता। अच्छा, ट्रैक्टर ये क्यों चुना 595 में? ट्रैक्टर तो इसकी हाइड्रोलिक मजबूत है। अच्छा, हाइड्रोलिक मेन चीज है। अच्छा, आप अपने काटते हो या किराए पे कर रहे हो? किराया। किराया क्या चल रहा है? एक बीघा कितना लेते हो? 800 रूपए। और हम देख रहे हैं आपने लेबर भी लगाई हुई है यहाँ पे, नो लेबर है, ठीक है। और 20 मेरे हिसाब से 20-25 दिन का सीजन रहता है गेहूँ का, कितनी कमाई हो जाएगी? फ्री हो जाएगी ये मशीन? हो जाएगी। अच्छा, मशीन और भी, सोनू भाई, सोनू नाम था ना, हाँ सोनू भाई, और भी मशीन आ रही है मार्केट में, जरा आप देखो ट्रैक्टर के आगे लगने वाली उस मशीन के बारे में आपका क्या राय है? वो खराब मशीन है, ठीक है, क्योंकि वो बांधती नहीं है, दिक्कत करती है और महंगी भी है, 2.5 लाख रुपए की मशीन आती है। बांधने वाली भी आ रही है वो, पर उसमें जो सक्सेस नहीं है वो, हाँ वो जो रस्सी से बनती है ना, तो हाँ। जो मशीन में निकलती है उसमें फिर मशीन में दिक्कत है। अच्छा, ये आपने चलाई है तो हमारे किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे? मशीन सही है? ये सही है। मेंटेनेंस की बात करें तो वर्किंग कैसी है इसकी? मेंटेनेंस इसमें कोई ज्यादा नहीं है। कोई ज्यादा नहीं है। 3 बेल्ट के, ये 5 बेल्ट में भी आती है, वो नहीं लेके आए आप? नहीं, ये बेल्ट जो इससे पहले लाए थे उसमें बेल्ट नहीं थी, इसमें चैन थी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये देख लो सोनू भाई ने बहुत बढ़िया जानकारी दी इस मशीन के बारे में। मैं आपको ये मशीन दिखा देता हूँ, सरदार वालों की मशीन है, 3 बेल्ट की मशीन है। ये बैकवर्ड तो आती है, फॉरवर्ड भी आती है। फॉरवर्ड आपको 15,000 रुपये महंगी पड़ेगी। ये देख लो कितनी बेहतरीन मशीन है भाई। और ये जो आप खेत देख सकते हैं इसी मशीन से काटा गया, ठीक है। और वो इस ट्रैक्टर के भी जवाब नहीं है भाई साहब, ये देख लो क्या गुज्जा लग गया क्या? नहीं, गुज्जा लग रहा। सरदार की मशीन है, बेहतरीन मशीन बिल्कुल। अब देखना, चलो भाई काटो, ठीक है। ये बैकवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड लोगे तो थोड़ी सी 15,000 रुपये महंगी आती है। सबसे सस्ती मशीन और सबसे ज़बरदस्त, ये देख लो, हम आपका भी लाइव डेमो दिखाएंगे। ये बढ़िया काट रही है, ये रखो चलेगी, ये मार दे रही है। और ये 3 बेल्ट की है, इसमें 5 बेल्ट की भी आती है। ये देख लो, ये कौन से में चल रहा है? दूसरे में ना? दूसरे के लो में, बैक गियर में, लो में ना, लो में चल रहा है। देख लो कटिंग, देख लो भाई आप इसकी, इससे बढ़िया मशीन में किसी को नहीं मानता है। देख लो जी आप, ये देख लो कटिंग, बेहतरीन मशीन भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल नीचे से काट रही, जम बिल्कुल मिला के देख लो, ठीक है, कहीं से देख लो बिल्कुल। हाँ, ये आपकी है क्या मशीन? अच्छा, आप अपना नाम बताओ, कब लाए थे इस मशीन को? परसों लाए थे। परसों कहाँ के हो आप? घुमट्टी के हो? अच्छा, त्यागी के गांव के हो, ठीक है। और हमें बताओ किराए पे काट रहे हो? अच्छा अच्छा, 2 मिनट आ रहे हो आप, ठीक है। किराए पे आप काट रहे हो, कितने रुपए ले रहे हो एक बीघे के? 800 रुपए बीघा। ये लेबर भी आपके साथ? अच्छा, एक मशीन आपने देखी होगी ट्रैक्टर के आगे लगने वाली आ रही है, वो कामयाब नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। वो नहीं सही है, खराब है ना वो? वो नहीं सही है। हाँ, वो खराब मशीन है। एक तो सबसे बड़ा बात है कि रिक्शो उसमें, हाँ पीछे थोड़ा जोर तो पड़ो उसमें, हाँ गेहूं कटो बढ़िया। अच्छा, अब की बार में बताऊंगा, सरदार की 5 बेल्ट वाली लाना आप, आगे भी लग जाती है मशीन, ठीक है। अच्छा, लेबर कितनी रखी है आपने? 9 लड़के। 9 लड़के हैं, तब तक ये काटेंगे बांध के निपटा देंगे। अच्छा, इनका क्या सीधी सी बात है, एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? मशीन तो फ्री हो जाएगी एक सीजन में? हाँ, फ्री। कितने की लाए थे? 45 की लाए होंगे? 55 हजार। अब 55 की होगी? हाँ, लोहा महंगा हो गया, 55 की होगी। चलिए बहुत बढ़िया जी, बताया 52 हजार की। अच्छा अच्छा, ये सरदार कहाँ से लाए तुम? ये वहाँ से। अच्छा, मूलचंद कैसे? सुधीर मूलचंद। अच्छा, अगर मुझे वहाँ पंजाब से लाते 45 की मिलती। चलिए 5-10 हजार रुपए उनको भी चाहिए, सही बात है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया मशीन है भाई, ये देख लो। और एक सीजन में आपका पैसा पूरा, 1 लाख रुपए कमा के देगी आपको 15-20 दिन में। 8 दिन लेट हो गए, नहीं तो पूरा कर सकते। अच्छा अच्छा, 8 दिन लेट हो गए? 8 दिन लेट। चलिए, हमारी प्लान अभी बनी थी। हाँ, इस मशीन को दिखाने का मकसद ये है, आप 2.5 लाख रुपए की मशीन लाओगे ट्रैक्टर के आगे लगने वाली। एक आती है BCS की मशीन, वो आती है 5 लाख रुपए की, कोई फायदा नहीं है। हाँ, आगे वाली सही है, क्योंकि बैक में आदमी थक जाता है। अच्छा अच्छा, ये बारीक काटती है?
ये नीचे से काटती है, नीचे से मिला का कटो। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया जी, पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका भाई, इससे बढ़िया मशीन किसी को नहीं मानता मैं। नो मजदूर है, मजदूरों को अपनी मजदूरी भी मिल रही है, ठीक है, और ना खराब होती है ना कुछ होती है, तीन बेल्ट वाली है, ठीक है जी। खराब की तो मशीन की खराब की हो जाए पर थोड़े लोग, ये नहीं होती है हमारी, सही चल रही है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ये देख लो ये बांध रहे हैं और ये मशीन दाएं दाएं काट रही है, ठीक है। एक घंटे में कितना एकड़ काटती है, सॉरी एक घंटे में कितना बीघा काट देती है? एक घंटे में चार बीघा काट देती है। चार बीघे, चलिए बहुत बढ़िया जी, एक घंटे में चार बीघे काट देती है, ठीक है। हाँ 595 ट्रैक्टर है। अब मैं आपको इसे दिखा देता हूँ पीछे से, ठीक है। 55,000 रुपये की मुझे फरनगर से लेके आए भाई, ये देख लो मैं पीछे से आपको दिखाऊँ, अब ये पीछे चलेगी भाई, चलो भाई लेके आओ। अभी आएगी, इससे बढ़िया मशीन कोई नहीं है, ये हकीकत है। अब आपको पैसा, आपको ज़्यादा कुड़ रहा हो, मतलब ज़्यादा आपके पास पैसे हो, कोई भी मशीन ले आओ, पर इससे बेहतर मशीन मुझे नहीं लगती। आप किराया करना चाहते तो भी बेहतर है। 595 मशीन, ये देखिए इसको चला रही है आराम से, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। और स्पीड है ऐसे ही नहीं, देख लो स्पीड से काट रही है दबा के, ये देखो बैक में चल रहा है, मैं पूरी रेल बना दी ले। ये काटती है और ये मजदूर भाई बांधते हैं, ठीक है जी, बेहतरीन मशीन है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, अगर आप छोटे किसान हैं या मजदूर हैं या आप किराया करना चाहते हैं तो इस मशीन को खरीद कर आपके पास घर का कोई ट्रैक्टर तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। 20 दिन का गेहूं का सीजन होता है, ठीक है जी, आसानी से आप 1-2 लाख रुपए कमा सकते हैं इस सीजन में, क्योंकि मजदूरों की समस्या थोड़ी ज़्यादा हो गई आजकल, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।